त्रामंगल में हो है। ठीक है ठीक है ठीक है सैंडी, ये क्या है? पैसे तो होने चाहिए पास में। ₹10? हाँ पर वो पड़े यार, सच में इमोशनल, मेरा मन नहीं कर रहा जाने का। जल्दी आ जाऊंगा, 2 दिन में आ जाऊंगा पक्का। हाँ बच्चे तो सुबह के 9:30 बज रहे हैं और मैं अभी जा रहा हूँ RT-PCR करवाने, क्योंकि ये मैंडेटरी है। जो जैसे मैंने बताया ना कि मैं ट्रेवल कर रहा हूँ कहीं पे, तो उसके लिए सैंपल कलेक्ट करने के 72 आवर्स के अंदर की उनको रिपोर्ट चाहिए है। तो अभी मुझे 2 बार सैंपल करवाने पड़ेंगे। इसका ना फ्यूल भी ऑलमोस्ट जाने वाला है, खत्म होने वाला है। अभी मैंने प्रॉपरली इसमें डलवाया था, बट ज्यादा का नहीं डलवाया। मैं पहले ना एक बार फ्यूल वगैरह डलवा लेता हूँ। वैसे मैं फ्यूल एक ही जगह से डलवाता हूँ, पापा बोलते हैं कि उनका जेन्युइन होता है और क्वांटिटी भी, मतलब उसमें कुछ ऐसा नहीं होता। तो अभी एक बार ना कम का डलवा लेता हूँ, चाहे ₹500 का ही डलवा लेता हूँ, बाद में टैंक फुल करवा लूंगा। क्योंकि अभी आगे बहुत जाना है, वो आपके लिए सरप्राइज है, आपको बहुत जल्दी देखने में मिलेगा कहाँ जा रहा हूँ। मे भी हो सकता है मैं आप ही की सिटी में आ रहा हूँ, आप ही के स्टेट में आ रहा हूँ। ₹500 का कर दो भैया, लो जी। अरे यार यहाँ पे तो बहुत ज्यादा भीड़ सी लग रही है यार, पता नहीं ये वैक्सीन लगवाने आए हैं। अंकुर शर्मा, ANKUR शर्मा। सैंपल दे दिया है मैंने और एक सैंपल मुझे कल भी देना पड़ेगा, क्योंकि यार वो जो 72 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ सैंपल से काउंट करेंगे जब जिस टाइम पे सैंपल दिया है, तो कल भी एक बार सैंपल देने आना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न की फ्लाइट भी मेरी नेक्स्ट डे की है। जाके 2-3 काम करने हैं, गाड़ी भी वॉशिंग करवानी है, क्योंकि यार इसमें से फिर ड्राइव हाईवे पर ड्राइव करते हुए कुछ दिखता नहीं है क्लियरली। हे गाइस, कैसे हो आप सब? मैं आपको अपडेट कर देता हूँ यार, बता देता हूँ, आज है Day 2। कल आपने देख लिया होगा, कल मैं करवाया था, मेरी RT-PCR करवाई थी, क्योंकि मैंडेटरी है 72 आवर्स की, और जहाँ मैं जा रहा हूँ ना उससे नेक्स्ट डे की मेरी रिटर्न की फ्लाइट है। तो यार थोड़ा सा ऐसा हो गया, और उनको चाहिए था कि मतलब ऐसा हो कि ना 72 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ सैम्पलिंग, उसके टाइम से उनको 72 आवर्स करने हैं। तो मुझे नेक्स्ट डे के लिए अब दोबारा जा रहा हूँ, अभी जाके अपना सैंपल दे के आता हूँ, तो वो वैलिड होगी उस टाइम के लिए। और बाकी तो क्या यार, बहुत सारी चीज़ें हैं, और सीरियसली यार दिमाग ऐसा भड़क हो रही है यार, मतलब जो बोलते हैं ना, अभी बहुत सारे काम करवाने हैं, पैकिंग नहीं हुई है अभी तक, और हेयर कट करवाना था, थोड़ी ट्रिमिंग वगैरह सब कुछ करवाना था यार, लास्ट मोमेंट पे ना यही सब पंगे होते हैं। अभी जल्दी से जल्दी जा रहा हूँ, एक बार सैंपल दे आता हूँ। और दूसरा यार, गाड़ी की ना हेडलाइट खराब हो चुकी है, एक साइड की हेडलाइट और बैक लाइट वो चल नहीं रही है, पता नहीं क्या मतलब किस वजह से खराब हुई। तो आज देखता हूँ, अभी शॉप ओपन मिल जाती है ना कोई, तो एक बार करवा लेता हूँ और फिर निकलूंगा। अभी जाऊंगा मैं पहले गुड़गांव, और गुड़गांव से मेरी मॉर्निंग की फ्लाइट है, अर्ली मॉर्निंग की। तो बस थोड़ा सा यार एक्साइटमेंट भी है, और थोड़ा ये भी हो रहा है कि यार काश थोड़े टाइम पहले चीज़ें सब करवा ली होती, पैकिंग वैकिंग भी अब जाके करनी है लास्ट मोमेंट पे। और वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ के गाइडलाइन रूल्स नहीं पता, आई होप बस मुझे वहाँ गुड़गांव में जिस टाइम तक पहुँचूंगा ना सैलून खुला मिल जाए, हेयर कट वगैरह करवा लूँगा, अदरवाइज यार बहुत जंगली सा लगने वाला हूँ फ्लाइट में। सिविल हॉस्पिटल में ही देखता हूँ यार, यहाँ पे ही करवा लेता हूँ, बस रिपोर्ट टाइम पे मिल जाए यार, ऐसा ना हो कि बीच में लटक जाऊँ यार। तो पहुँच चुका हूँ मैं यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में, अभी देखता हूँ यहाँ पे कहाँ पे होएगा यार कोविड का सैंपल वगैरह, कहाँ कलेक्ट कर रहे हैं। आधार कार्ड चाहिए क्या अभी आपको? ये वैसे 48 आवर्स में आ जाएगी ना? हाँ 48। ठीक है ठीक है ठीक है, रिसिप्ट वगैरह कटवा ली है, अब सैंपल दे देता हूँ। सैंपल दे आया हूँ मैं, अब इसकी रिपोर्ट है ऑलमोस्ट, ये बोल रहे हैं 48 आवर्स के अंदर अंदर आ जाएगी। तो कोई नहीं यार, मेरी नेक्स्ट डे के लिए चाहिए, फर्स्ट डे के लिए तो शायद आज रात तक आ जाएगी, बस थोड़ा डर लग रहा है लेट ना हो जाए, क्योंकि लेट होगी ना तो मैं लेट हो जाऊँगा। यार आप मानोगे नहीं, गाड़ी इतनी गंदी हो रही है ना, वॉशिंग करवाने की जरूरत थी, बट वॉशिंग का भी टाइम नहीं मिल रहा है। कल मैं जिस टाइम पेंट वेंट सूख रहा था ना, उस टाइम पे मैंने खुद ही बाल्टियां ले लेके वहां मोटर से, किसी का पानी वेस्ट हो रहा था तो मैंने उसी से गाड़ी के शीशे क्लियर कर दिए, ताकि थोड़ा है ना ड्राइविंग के टाइम प्रॉब्लम ना हो। पहुंच गया हूँ फाइनली मैं घर पे, अभी बस पैकिंग वैकिंग कर लेता हूँ, बहुत जल्दी पैकिंग करके निकलता हूँ। यार पैकिंग वैकिंग सब हो चुकी है, मैंने इसी में डाल दिया यार, कैरी करने में भी इजी होगा एयरपोर्ट पे। और दूसरा क्या रीजन है, वहाँ पे लिमिटेशन है, सिर्फ 8 kg ही लिमिट है लगेज वगैरह की, तो उसमें ज्यादा नहीं, मैंने 2 जोड़ी ही रखे हैं 2 दिन के हिसाब से। तो बस पैकिंग वैकिंग हो चुकी है, मम्मी पापा से मिल लेता हूँ एक बार। ठीक है पापा, निकल रहा हूँ यार मैं। है ठीक है पापा जी, ये अपने पास। ठीक है मैं यात्रा मंगल में हूं। ठीक है ठीक है ठीक है थैंक यू। ये क्या है? पैसे तो होने चाहिए पास में। ₹10? हाँ वो मेरे हिसाब से ज्यादा लगेंगे रास्ते में। ये मैं दुआ के तौर पे दे रहा हूँ। अरे बापा, इमोशनल क्यों हो रहे हो? हाँ कौन से किसके हैं, क्या है दादी वाले हैं, कौन से हैं? मैं ऐसे ही
सीना किन्नर से लिया था। अच्छा अच्छा सीना किन्नर से। हाँ। अरे वाह यार बहुत हमेशा संभाल के रखूंगा मैं पक्का। पहली बार जा रहा हूँ यार पापा इमोशनल हो रहे हैं। पापा रो पड़े यार सच में इमोशनल। मेरा मन नहीं कर रहा जाने का। जल्दी आ जाऊंगा दो दिन में आ जाऊंगा पक्का। हाँ लोग कैसे रह लेते हैं फैमिली के बिना। पापा ने मुझे आज 10 का नोट दिया है। वो बता रहे हैं एक हसीना नाम से मंगलमुखी समाज से है जिनकी बहुत ब्लेसिंग होती है तो 10 का नोट दिया है। मैं लाइफ टाइम हमेशा अपने साथ रखूंगा बट मजबूत भी बनना पड़ता है यार। ठीक है चलते हैं नहीं तो लाइफ जीनी भी है ना यार। ठीक है चलते हैं आपको दिखाता हूँ आगे चलते हैं गाइस। सबकी माँ ऐसे ही होती है और सबके बाप भी ऐसे होते हैं दिखाते नहीं है प्यार बहुत करते हैं। तो बस अभी चल रहा हूँ सब कुछ चीजें ले ली हैं। चार्जर ले लिया है ट्राईपोड ले लिया है कपड़े वपड़े ले लिए हैं। बस अब जय बाबे की गाइस प्रे करना मेरी ये जर्नी का शुरुआत है थोड़ी अच्छी हो जाए प्लीज़। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। उससे क्या है मैं थोड़ा अपनी फैमिली के लिए कुछ कर दूंगा। फुल करते हैं भाई टंकी 3400 के आसपास को। यहाँ पे क्या है फ्यूल डलवाओ ना टैंक फुल तो नाइट्रोजन फ्री है तो एक बार चेक करवा लेता हूँ चारों टायर में। मम्मी पापा को सी ऑफ करने की हिम्मत नहीं होती यार ऐसे। कभी जो दूर जा रहा होता है ना कभी पेरेंट्स बनेंगे तब वो फीलिंग समझ आएगी। बच्चा जब दूर जा रहा होता है इजी नहीं होता यार सी ऑफ करना। निधि को भी सी ऑफ कर दिया था। विहान सो रहा था विहान को अगर उठाता तो बहुत रोता। जल्दी मिलूंगा उससे भी और इमोशनल इतना हूँ यार लेबर से भी मिल रहा था कि हाँ शायद उनका आज काम खत्म हो जाएगा तो इसके बाद वो नहीं आएंगे तो उनको भी अच्छे से सी ऑफ कर रहा था। और बस यही है यार लाइफ। अब एक डर सा लगता है यार आगे लाइफ में कुछ हर किसी की लाइफ में कुछ डिसीजंस होते हैं तो बस उन चीज़ों का डर लगता है कि यार कुछ लाइफ में गलत ना हो जाए। पता नहीं लोग फैमिली के बिना रह कैसे लेते हैं। मैं तो नहीं रह सकता यार सच में। ये मैयड़ वाला टोल है मतलब जो हांसी और हिसार के बीच में पड़ता है और ये शायद अभी शुरू नहीं हुआ है यहाँ टोल कटना वटना। बाकी जगह बता रहे हैं शुरू हो चुके हैं बट ये अभी फ्री है। जस्ट अभी मैं गुड़गांव पहुंचा हूँ। रस्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक था यार। अब बस सैलून पे जा रहा हूँ अभी। आई होप बस ना सैलून ओपन मिल जाए। पहुंच चुका हूँ अब हेयर कट वगैरह करवा लेता हूँ जल्दी से क्योंकि फिर वो गाइडलाइन हो जाती है ना तो फिर जल्दी इनको भैया को भी बंद करनी होती है उनको फॉलो करते हुए। तो जल्दी से हेयर कट करके घर जाके शावर ले लेता हूँ। और भैया आ चुके हैं जिनसे लास्ट टाइम करवाया था और अभी भी भैया से ही करवा रहा हूँ सेम वैसे ही लुक। आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ थोड़ी देर में। फिर घर जाके शावर लेके खाना वाना खाऊंगा यार खाना वाना खा के सोऊंगा। अभी मैं ट्रिमिंग और करवा लेता हूँ थोड़ी ग्रूमिंग करवा लेता हूँ दाढ़ी वाड़ी भी सेट करवा लेता हूँ। उसके बाद ना यार 3 घंटे ड्राइव करके आया हूँ तो एक बार चम्पी करवा लूंगा सिर दुख रहा है ना। ये थोड़ा सा ये वाला एरिया जो है ये डार्क रख देना ये थोड़ा लाइट और इसके बीच में थोड़ा आकाश लगा के मतलब डिफरेंस रख देना। ये ट्रिमिंग वगैरह भी करवा लिया चम्पी कर लेता हूँ फिर घर जाके शैम्पू करूंगा। कितने हो गए भैया? 190। लो भैया काट लो। ठीक है थैंक यू भैया थैंक यू सो मच। अभी मैंने शावर वगैरह ले लिया है देख दिख रहा होगा मतलब आपको यार बाल वाल ना बिल्कुल अजीब से हो गए मतलब अब शैम्पू करने के बाद एक बार हो जाते हैं। अभी ड्रायर यहाँ है नहीं सूख जाएंगे ना तो वैसे के वैसे ठीक हो जाएंगे। तो एक बार मैं खाना वाना खा लेता हूँ भाभी ने देखते हैं क्या बनाया है। भाभी ने बनाया है यार पता नहीं यार क्या बनाया है समझ नहीं आ रहा मतलब एक दाल तो है वो तो समझ आ गया दाल है बट क्या है यार मैं बेड पे बैठ के नहीं खाऊंगा मैं नीचे रख लेता हूँ एक सेकंड भूल गया था। मैंने देखो दाल है इसमें और क्या है कटल की सब्जी है और रोटी है तो ये खा लेता हूँ यार एक बार। अच्छी बना रखी यार पता है क्या है अच्छे बुरे का हम नहीं बोल सकते हर खाना अच्छा होता है बट ना हर घर का ना टेस्ट अलग होता है हर घर से। किचन में भी पहले मैं जाता था ना अपने फ्रेंड्स के घर पे उनके किचन से अलग ही खुशबू आती है जो अपने घर से बिल्कुल अलग होती है। तो हर खाना अच्छा लगता है अपोजिट मतलब किसी और के घर जाते हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये अच्छा बना रखा है नो डाउट सीरियसली। कटल की सब्जी भी अच्छी है और दाल भी अच्छी है। खाना वाना हो चुका है और अभी क्या है मैं बस रेस्ट कर रहा हूँ सो रहा हूँ क्योंकि यार सुबह मुझे 2 बजे उठना है मतलब वो आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। कल आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ शायद मैं आपकी सिटी में या आप ही के स्टेट में आ रहा हूँ
और ठीक है यार, वो बहुत बड़ा सरप्राइज है, तो आपको वो जल्दी देखने को मिलेगा। तो इस व्लॉग का गाइज मैं अभी एंड कर देता हूँ। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना और वीडियो को थोड़ा लाइक कर देना और यार शेयर कर दिया करो और थोड़ा सा कमेंट अपने सजेशन दे दिया करो। अभी इस व्लॉग का मैं एंड कर देता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।